हमास नेता इस्माइल हानिया की हत्या एक गाइडेड मिसाइल से की गई थी। इस मिसाइल ने हानिया के सेल फोन से उन्हें ट्रैक करके निशाना बनाया था। हमास नेता के बेटे अब्दुल सलाम हानिया ने शुक्रवार को सऊदी अरब के सरकारी मीडिया आउटलेट अल अरबिया से बातचीत में यह दावा किया है। इस्माइल हानिया की बीती 31 जुलाई को तेहरान में हत्या कर दी गई। वो ईरान के नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने गई थी। समारोह के बाद हानिया तेहरान के अति सुरक्षा वाले सैन्य परिसर में रुके थे। रात में सोते समय उन्हें निशाना बनाया गया। ईरान ने इस हत्या का आरोप इसराइल पर लगाया और बदला लेने की कसम खाई है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि हानिया की हत्या से पहले उनके कमरे में एक विस्फोटक उपकरण लगाया गया था। इस विस्फोटक को 2 महीने पहले ही गेस्ट हाउस में पहुंचाया गया था। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया था कि बम को जून में छिपाया गया और इसमें अत्याधुनिक रिमोट तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। इसी तरीके का इस्तेमाल ईरान के परमाणु कार्यक्रम के प्रमुख वैज्ञानिक मोहसिन फखरी जादेह की हत्या में भी किया गया। हानिया के बेटे अब्दुल सलाम ने इस रिपोर्ट को गलत बताया है। दोहा से दिए इंटरव्यू में अब्दुल सलाम ने अल अरबिया को बताया कि मुझे लगता है कि विस्फोटक उपकरण की कहानी पूरी तरह से बेबुनियाद है। कि इस्माइल हानिया के कमरे से कुछ मीटर की दूरी पर एक कमरे में बॉडीगार्ड और दूसरे सलाहकार थे। ये साफ है कि कोई विस्फोटक होता तो पूरी जगह उड़ जाती। अब्दुल सलाम ने कहा, यह गाइडेड मिसाइल थी जिसने उनके मोबाइल फोन को ट्रैक किया। उन्हें रात में फोन कमरे में अपने सिर के पास रखा था जिस पर सीधा हमला हुआ। अब्दुल सलाम ने बताया कि उनके पिता लगातार फोन चला रहे थे और उसी रात भी 10:15 तक फोन का इस्तेमाल किया था। इस्माइल हानिया को आसान टारगेट बताते हुए इनके बेटे ने कहा, मेरे पिता एक आधिकारिक समारोह में हिस्सा ले रहे थे, वो अपना मोबाइल फोन लेकर चल रहे थे, इसलिए ऑपरेशन बहुत मुश्किल नहीं था। अब्दुल सलाम ने अल अरबिया को बताया कि उनका मानना है कि हमला अमेरिका की मदद से किया गया था। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।